किस चीज का डर है? अगर कल को कोई धमकी देता है, कोई कुछ भी कहता है, तो डरते क्यों हो? खुद को नहीं बुरा बनना है तो मेरे पास लिंक भेज दो, मैं पकड़ के टोक दूंगा, टोकता रहूंगा, इट डजंट मैटर कौन है। कोई किसी को फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, गलत सलत कोई भी कुछ बोल के जाएगा नहीं। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फ्रॉम amittiwari.net और यह है हमारी ऑन पेज एसईओ सीरीज का 8th पार्ट। आज के इस वीडियो में हम इंटरनल लिंक्स को कवर करेंगे और देखेंगे कि कैसे इंटरनल लिंक्स आपकी वेबसाइट के एसईओ के हर हिस्से को अफेक्ट करती है। सिर्फ ये ऑन पेज एसईओ का पार्ट नहीं है, इससे पहले इस सीरीज के 7 पार्ट्स आ चुके हैं। और अगर अभी गलती से आप इसी पार्ट पर लैंड कर रहे हैं, इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखे हैं, तो इस वीडियो को खत्म करने के बाद उन सबको आपको जरूर देखना चाहिए। एंड ऑल्सो हमने इमेज एसईओ के ऊपर 6 वीडियोस की सीरीज की हुई है, जिसको भी आपको देखना चाहिए। इन सारे वीडियोस के लिंक आपको टॉप राइट कॉर्नर में मिल रहे होंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में होंगे, यू कैन सर्च यूर एसईओज। ओके, सो हम आ जाते हैं वापस आज के वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जो है इंटरनल लिंक्स। नाउ इंटरनल लिंक्स एक्सटर्नल लिंक्स की जितनी ही पावरफुल होती है, आई नो आई एम सेइंग समथिंग वेरी न्यू, बट इंटरनल लिंक्स उतनी ही पावरफुल होती हैं जितनी एक्सटर्नल लिंक्स होती हैं। आफ्टर ऑल लिंक्स आर लिंक्स, राइट? इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये क्लासिफिकेशन है सिर्फ। लेकिन इंटरनल लिंक के ऊपर लोग कम फोकस करते हैं, बिकॉज घर की मुर्गी दाल बराबर, पुरानी कहावत है, राइट? लेकिन ये इंटरनल लिंक कैसे कैसे आपकी वेबसाइट को असर करती है, एक बार देख लेते हैं। नंबर एक, ये आपकी पूरी वेबसाइट को एक्सप्लोर करने में रियल यूजर्स की हेल्प करती है। हम हर वेबसाइट में नेविगेशन के लिए एक हेडर लगाते हैं, हेडर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेजेस के लिंक्स होते हैं, लेकिन हेडर पूरी वेबसाइट में कॉमन होता है, हर जगह सेम लिंक्स मिल रहे होते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके किसी एक एक्स वाई जेड किसी भी पेज पर लैंड किया हुआ यूजर इंटरनल पेजेस को, रिलेटेड पेजेस को भी एक्सप्लोर करे, आपकी वेबसाइट पर उसका ड्वेल टाइम बढ़े, आपकी वेबसाइट पर ज्यादा पेजेस को एक्सप्लोर करे, जो व्यूज पर सेशन वाला मीट्रिक है वो आपका आसमान छुए, और आप हमेशा नए यूजर्स के ऊपर ही डिपेंड ना के रह जाए, तो आपको इंटरनल लिंक्स को यूज करना चाहिए, ताकि जब एक यूजर आपने सर्च के थ्रू अपनी वेबसाइट पर कमाया है, तो आए एक पेज देखे, एक पेज पर अच्छी इंटरनल लिंक रिलेटेड मिल जाती है, दूसरा पेज देखे, दूसरा पेज देखने के बाद तीसरा पेज देखे, आपको बार बार एसईओ के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक एवे बूस्ट होता रहेगा। आपकी वेबसाइट का एसईओ का टारगेट क्या है? सिर्फ नए यूजर्स लाना नहीं है, जो यूजर आ चुके हैं उनको और दूसरे पेजेस दिखाना भी है। सो इंटरनल लिंक्स आपकी इस काम में हेल्प करती है। नंबर दो, इंटरनल लिंक्स सर्च इंजन्स को आपके पेजेस को इंडेक्स करने में हेल्प करती हैं। बिकॉज जब आप एक पेज से दूसरा पेज लिंक करते हैं, दूसरे पेज से तीसरा पेज लिंक करते हैं, तो क्रॉलर क्या करता है? क्रॉल ही करता रह जाता है। गूगल बॉट को डिजाइन किया गया है, प्रोग्राम किया गया है कि वो जब भी किसी पेज पर जाएगा, उस पेज पर मौजूद सारी लिंक्स को क्रॉल करेगा ही करेगा। यही वो मजबूरी है जिसकी वजह से गूगल को नो फॉलो नाम का एट्रीब्यूट इजाद करना पड़ा। गूगल ने नो फॉलो इजाद किया था, किसी और कंपनी ने नहीं इजाद किया था। सो गूगल बॉट की मजबूरी थी कि जब भी वो किसी पेज पर जाएगा, उस पर मौजूद सारे लिंक्स को क्रॉल करेगा, और गूगल का इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा था फालतू की लिंक्स क्रॉल करने में, इसीलिए गूगल ने नो फॉलो नाम का एट्रीब्यूट लगाया, ताकि गूगल बॉट को बताया जा सके कि भाई कुछ लिंक्स को क्रॉल नहीं भी करोगे तो चलेगा। लेकिन आप इसी कमजोरी को यूज कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट के सारे पेजेस को इंडेक्स करा सकते हैं। जब आप एक पेज को कई सारे पेजेस से इंडेक्स करते हो, तो आप बेसिकली बता रहे हो गूगल बॉट को कि भाई ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जैसे एक्सटर्नल बैकलिंक्स गूगल बॉट को बताती हैं कि ये फला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही इंटरनल लिंक्स भी यही बताती हैं। बिकॉज लिंक्स आर लिंक्स, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। नंबर तीन, ये आपके एक पेज की पेज रैंक को बाकी सारे पेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। हम सबको पता है कि नेचुरली किसी भी वेबसाइट का जो होम पेज होता है वो सबसे ज्यादा लिंक किया जाता है, उस पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और वो सबसे ज्यादा पॉपुलर होता है। लेकिन अगर आप इस होम पेज से बाकी सारे पेजेस को लिंक नहीं करते हैं, तो आप अपनी पेज रैंक को सिर्फ होम पेज पर टिका के रख रहे हैं। आपकी जो सर्विस पेजेस हैं वो कैसे रैंक करेंगे, राइट? आपकी जो प्रोडक्ट पेजेस हैं वो कैसे रैंक करेंगे, कैटेगरी पेजेस कैसे रैंक करेंगे, जब आप अपने कंटेंट से बाकी सारे कंटेंट को लिंक करोगे? तो प्रॉपर लिंकिंग से, प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग से आप अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर सही करते हैं, और जो इधर उधर पेज रैंक कई एक ही जगहों पर एक ही पेज पर इकट्ठे होकर रह गए, उसको सारे पेजेस पर, इंटरनल पेजेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि आपके छोटा सा छोटा पेज भी अपनी रिलेटेड क्वेरी के लिए रैंक करना शुरू कर सके। सो आई थिंक ये तीन रीजंस इंपॉर्टेंट इनफ है किसी भी वेबसाइट की इंटरनल लिंक्स को सीरियसली लेने के लिए। Now, अब देखते हैं कि जब आप इंटरनल लिंक्स बनाएं, जब आप अपने इंटरनल लिंक्स स्ट्रक्चर को बनाना शुरू करें, तो आपको क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, डूज एंड डोंट्स दोनों जानने जरूरी हैं। सो हमारी जो चेकलिस्ट है इंटरनल लिंक्स वाली, इसके दो पार्ट रहेंगे, डूज एंड डोंट्स। पहले देखते हैं कि क्या करना चाहिए। डूज,
डूज की लिस्ट में सबसे पहला पॉइंट आता है इंटरनल लिंक्स का वॉल्यूम। आपके हर एक पेज पर 2 से लेकर 3 इंटरनल लिंक तक जरूर होनी चाहिए, यानी कि आपका हर एक पेज आपकी वेबसाइट के ही 2 से लेकर 3 दूसरे पेजेस को लिंक देगा। इससे आपके पेज को एक्सप्लोर करने के लिए गूगल बॉट को भी इंकरेजमेंट मिलेगा और जो नॉर्मल यूजर्स हैं वो भी आपके इंटरनल पेजेस को विजिट करेंगे ज्यादा से ज्यादा। पॉइंट नंबर 2 है लिंक की रेलेवेंस। जिस तरह से एक्सटर्नल लिंक्स का रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है, उसी तरह से इंटरनल लिंक्स का भी रेलेवेंट होना जरूरी है। आपको अपने ही पेज पर अपने ही पेज के लिए लिंक बनानी है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जिस मर्जी उस पेज का लिंक हम यहाँ पर लगा देंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पेज पर एक किसी सर्विस के लिए बात हो रही है तो आप उसी सर्विस के लिए बने हुए इन्फॉर्मेशनल पेज या कैटेगरी या फिर टेस्टिमोनियल पेज को इंटरनली आप लिंक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उस पेज से किसी और एब्सोल्युटली इररिलेवेंट पेज का लिंक वहां से प्रोवाइड कर दें या किसी अनरिलेटेड सर्विस को ही लिंक कर दें। सो जब आप अपने ही पेज से अपने ही पेज को इंटरनल लिंक दे रहे हैं तो भी आपको रिलेवेंस का पूरा ध्यान देना है। नंबर 3, आपको अपनी इंटरनल लिंक्स के लिए अच्छे एंकर टेक्स्ट ढूंढने हैं। किसी भी नॉर्मल एक्सटर्नल लिंक की तरह आपके इंटरनल लिंक का भी जो एंकर टेक्स्ट होता है वो एंकर टेक्स्ट गूगल को उस लिंक के रिलेवेंस के बारे में बताता है, उस लिंक के इंपॉर्टेंस के बारे में बताता है। और 2 मिनट के लिए आप गूगल को भूल भी जाएं, मान लेते हैं कि आपका जो ट्रैफिक है वो गूगल से नहीं आ रहा है, सोशल मीडिया से आ रहा है, डायरेक्ट ट्रैफिक है, तो भी उसे पता लगेगा एंकर टेक्स्ट को देख के कि आखिर उस पेज के अंदर क्या होने वाला है। हर इंसान का टाइम कीमती है। आप इंटरनल लिंक पर अच्छे एंकर टेक्स्ट को देकर अपने यूजर्स को, अपनी वेबसाइट विजिटर्स को, इंटरनल पेजेस को विजिट करने के लिए एनकरेज कर सकते हैं, एंटाइस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 है लिंक्स का स्ट्रक्चर। जब भी हम अपने पेजेस के इंटरनल लिंक क्रिएट करेंगे तो पेजेस के यूआरएल के स्ट्रक्चर को ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब इस स्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया जाता है तभी गूगल सर्च कंसोल में बहुत सारे इश्यूज दिखाई देते हैं। हमने कई सारे वीडियोस में बात की है कि एक ही लिंक को कई सारे दूसरे अलग अलग यूआरएल पैटर्न से एक्सेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल HTTP, HTTPS, www, non-www एंड उसके साथ में जो ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, इस स्लैश के साथ भी URLs हो सकता है या विदाउट उसके हो सकता है। तो एक ही URL है, उसको एक्सेस करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको एक ही URL पैटर्न को यूज करना होता है, राइट? आई होप इतना अभी तक आपको पता होगा। लेकिन जब आप इंटरनल लिंक बनाते हैं और जल्दी जल्दी में किसी भी रैंडमली किसी भी URL को एंटर करने लगते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपकी वेबसाइट पर www वाला वर्जन, ये वाला पैटर्न बार बार प्रोमिनेंटली यूज किया जा रहा है बैकलिंक्स में, वेबसाइट के खुद के स्ट्रक्चर में, और लिंक बनाते वक्त अगर आप www वाला वर्जन जल्दीबाजी में टाइप नहीं करते हैं, नेकेड डोमेन का टाइप कर देते हैं, या फिर आप फॉरवर्ड स्लैश को लगा देते हैं या मिस कर देते हैं, तो ये इंटरनल लिंक्स के इश्यूज क्रिएट करते हैं और गूगल सर्च कंसोल पर आपको इस तरह के बहुत सारे इश्यूज दिखाई देते हैं। इन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जब भी आप इंटरनल लिंक बनाएं तो देखें, एक बार ध्यान दें कि आखिर आपकी वेबसाइट पर किस तरह का URL स्ट्रक्चर फॉलो किया जा रहा है और एग्जैक्टली उसे यूज करें। और साथ ही में जो WordPress पर दोस्त काम करते हैं वो ध्यान में रखें कि कभी भी इंटरनल लिंक्स बनाते वक्त इस तरह के जो डायनेमिक लिंक होते हैं इन्हें यूज ना करें, कंप्लीट URL दें। आप WordPress के भरोसे ना रहें इस काम के लिए, आप पूरा कंप्लीट URL डालें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप एक क्लिक डेप्थ बचा लेंगे, एक बार का रिडायरेक्ट बचा लेंगे। ये थी डूज की लिस्ट, लेकिन अब देखते हैं कि डोंट्स क्या हैं, क्या काम ऐसे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, जिनसे तौबा बोल लेनी चाहिए। नंबर 1, कभी भी आपको जेनेरिक एंकर नहीं यूज करना है अपने इंटरनल लिंक्स के लिए। फॉर एग्जांपल, रीड मोर, फाइंड आउट मोर, क्लिक हेयर, क्लिक देयर, टैप करो, मत करो, ये सब नहीं करो। इस तरह के जेनेरिक एंकर टेक्स्ट आपकी इंटरनल लिंक्स की वैल्यू को डाउन करते हैं, यूजर को एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं बताते हैं कि पेज किस बारे में है, और गूगल को भी कुछ नहीं पता लगता है। आई नो रीड मोर या फाइंड आउट मोर या क्लिक हेयर, ये बहुत ज्यादा जेनेरिक तरीके से यूज किया जाता है, बट इट्स अ बैड प्रैक्टिस। किसी भी एक काम को अगर 1,00,000 लोग कर रहे हों तो वो उसे सही नहीं बना देता है। इस तरह से तो फिर झुंड में चोरी करने वाले सारे अच्छे हो जाते हैं। सो आपको जेनेरिक एंकर टेक्स्ट को, रीड मोर, फाइंड आउट मोर, इन सबको यूज नहीं करना है। प्रॉपर एंकर टेक्स्ट दीजिए, सोचिए कुछ, थोड़ा सा मेहनत कीजिए और इसके बाद दीजिए। पॉइंट नंबर 2, आपको सभी पेजेस से, बहुत सारे पेजेस से कॉन्टैक्टर्स या कॉन्टैक्ट नाउ, इस तरह के पेजेस को बहुत ज्यादा लिंक नहीं करना चाहिए। अधिकतर वेबसाइट्स में क्या होता है कि आपने एक सर्विस का पेज बनाया और वहां पर बुक नाउ या बुक अपॉइंटमेंट वाला जो बटन होता है उस पर जब यूजर क्लिक करता है तो वो कॉन्टैक्टर्स पेज पर जाता है। अब आपकी वेबसाइट पर लेट से 17 है, 20-25 के आसपास सर्विस के पेजेस बने हुए, उन सब पर कॉन्टैक्टर्स बटन लगा हुआ है CTR की जगह पर, प्रोमिनेंटली, मोस्ट प्रोमिनेंट जगह पर, लेकिन जब यूजर उस पर क्लिक करता है तो कहां जाता है? कॉन्टैक्टर्स पेज पर। और कॉन्टैक्टर्स पेज पर क्या आपने रखा हुआ है? कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ आपका एड्रेस है और एक फॉर्म पड़ा हुआ है। सो आप इतनी सारी जो पेज रैंक है, जो इतनी सारी पेज इक्विटी है, लिंक जूस है, उसको सबको पास करके कहां झोंक रहे हैं? एकदम बैकडोर के पास, कॉन्टैक्टर्स पेज पर।
मत करो ऐसा। कॉन्टैक्ट अस वाला फॉर्म आप उसी पेज पर रखिए, उसी पेज पर यूजर को रहने दीजिए। ये जो इंटरनल लिंक है उसको बचा के रखिए दूसरे इंपॉर्टेंट ट्रैफिक वाले इंफॉर्मेशनल पेजेस की तरफ फोकस करने के लिए। बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस पेज को लिंक नहीं करना, जहां से जरूरी है वहां से कर दो। हेडर पर ऑलरेडी आपने कॉन्टैक्ट अस वाला लिंक बना रखा होगा, अबाउट अस वाला लिंक बना रखा होगा, उतना ही इनफ है। अगर आपके कॉन्टैक्ट अस पेज पर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, कोई इंपॉर्टेंट चीज है, कोई डेमो बुक करने का कोई सिनेरियो है, तो एक अच्छी बात है। अदरवाइज नॉर्मल सिर्फ कॉन्टैक्ट अस वाला फॉर्म और एक एड्रेस की इंफॉर्मेशन के लिए ऐसा मत करिए। जब आप हर पेज से दो या तीन इंटरनल लिंक बना रहे हैं तो फोकस करिए कि आप कोई भी ऑर्फन पेज ना छोड़ दें। ऐसा कोई भी पेज ना हो जिसको कोई भी इंटरनल लिंक नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर किसी पेज को कहीं से भी इंटरनल लिंक नहीं मिलेगी तो ऑर्फन हो जाएगा। उसका यूआरएल में भी हो सकता है साइट मैप पर हो, बट ऐसे पेजेस को इंडेक्स करने का गूगल के पास कोई भी रीजन नहीं होता है। सो मेक श्योर कि आपका हर पेज के साथ में लिंक हो। पॉइंट नंबर 4, किसी भी H1 या H2 हेडिंग से अपने इंटरनल पेजेस के लिंक ना क्रिएट करें। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसमें टेक्निकली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी भी एक पेज में हेडिंग्स उसका स्केलेटन होती हैं और जो बॉडी है, जो उसका फ्लैश है उस पेज का, वो होता है पूरा कॉन्टेंट। और आप पियर्सिंग या टैटू या जो डेकोरेशन है, ये सारा काम हम कराते हैं स्किन के ऊपर, ना कि बोन्स के ऊपर। सो आप बाकी सारी डेकोरेशन को, इंटरनल लिंक्स को आप मेन कंटेंट के लिए रखिए, अपने H1 और H2s को, H3s को खाली रखिए, उनके ऊपर लिंक्स ना बनाइए, नॉर्मल कंटेंट को यूज करिए। थोड़ा सा यूजर को ज्यादा बेटर लगेगा, आपके पेज का स्ट्रक्चर जो है वो सही रहेगा। सो ये थे इंटरनल लिंक्स के बारे में सारे के सारे पॉइंट्स, एंड आई होप कि आप आज के बाद अपनी वेबसाइट को जब भी ऑडिट करेंगे या नई वेबसाइट बनाएंगे, नए वेब पेजेस को बनाएंगे, तो उसमें इंटरनल लिंक्स को अच्छा रखेंगे, ताकि आपकी पेज रैंक का फ्लो बना रहे, हेल्दी फ्लो रहेगा, वेबसाइट ज्यादा बेटर रैंक करेगी, इंटरनल पेजेस भी आपके जल्दी इंडेक्स हो जाएंगे और जल्दी रैंक करेंगे। उसके साथ में यूजर्स को भी आपकी वेबसाइट के बाकी सारे पेजेस को एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। एक अच्छा मार्केटर हर बार नया कस्टमर लाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि नए कस्टमर को, आए हुए कस्टमर को रिपीटेड कस्टमर बनाने की तरफ फोकस करता है। जो एक यूजर आ चुका है गूगल सर्च से, आपके पास एक विजिटर आया है, उसी को दो पेज, तीन पेज, चार पेज दिखाने की तरफ फोकस करिए। Keep them rotating towards your inner pages, ताकि आपके पेज व्यूज बढ़ेंगे। आपका जो भी गोल है, चाहे वो एड रेवेन्यू है या फिर वेबसाइट पर ट्रैफिक जनरेट करना है या फिर और ज्यादा लीड्स जनरेट करना है, यूजर को अपने वेबसाइट पर बढ़ा कर रखना है, ब्रांडिंग इंप्रूव करनी है, सारी चीजें, सारे गोल्स आपके इंटरनल ट्रैफिक के थ्रू, इंटरनल लिंक्स के थ्रू पूरे हो सकते हैं। सो टॉपिक हो गया कवर, अब क्या करें, आगे बात करें या कैमरा बंद कर दें? बट सिंस कैमरा गर्म हो रखा है ऑलरेडी, थोड़े मजे ले लेते हैं। अभी तक वैसे पिछले 3-4 वीडियोस में हम लोगों ने गूगल के मजे लिए, गुलगुलों के मजे लिए, और इसका क्रेडिट जाता है आप ही लोगों को। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने वीडियोस के टॉपिक शेयर किए थे, वीडियोस के लिंक शेयर किए थे, और उन वीडियोस में जान थी, मतलब इस तरह की बातें थी जिनको सामने, सबके सामने लाना जरूरी था, ताकि नए लोग इधर उधर डिस्करेज ना होते रहे। सो अगर आगे भी आपको इस तरह का कोई नमूना दिखाई देता है, तो उसका लिंक उठाकर हमें या तो कॉमेंट में बताएं या फिर कम्युनिटी पोस्ट पर बताएं, बट बताएं। एंड व्हाई डोंट यू शेयर? किस चीज का डर है? अगर कल को कोई धमकी देता है, कोई कुछ भी कहता है, तो डरते क्यों हो? YouTube क्रिएटर ही तो है, YouTube क्रिएटर्स, लाइक YouTube क्रिएटर हो गए, Instagram क्रिएटर हो गए, डजंट मैटर उनके कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जब कोई एक्टर बनता है, चाहे वो टीवी एक्टर हो, चाहे वो मूवी एक्टर हो, उसमें एक डायरेक्टर होता है जो स्टोरी लिखता है, एक बहुत बड़ी सी टीम होती है जो अपना अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करना जानते हैं, राइट? किसी को कैमरा चलाना बहुत अच्छा था, किसी को ऑडियो इंजीनियरिंग बहुत अच्छी आती है, किसी को डायरेक्शन आता है, किसी ने स्टोरी बहुत अच्छी लिखी है, एंड देन वो किसी एक पर्सन को पकड़ते हैं, उसे कहते हैं कि तुम एक्टर हो, हमारी सारी मेहनत का दारोमदार तुम्हारे ऊपर है, कैमरा सेट किया जाता है, उसको सामने एक्टिंग करने के लिए स्पेस दिया जाता है, और फिर इसके बाद उसको रिलीज किया जाता है बड़े पैमाने पर। यूट्यूब वीडियोस में क्या है, कोई भी कैमरा उठाता है, सामने टिकाता है, चालू कर दिया वीडियो डालना। प्लेटफॉर्म तो फ्री है, यूट्यूब किसी से पैसे तो ले नहीं रहा, ये फ्री है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, एंड अचानक से किसी का वीडियो पिक हो जाता है एंड उसके पास कुछ फॉलोअर्स रहते हैं, इट डजंट मैटर, वी आर नॉट इंपॉर्टेंट। What's important is what you know. Fame को कभी भी skill के साथ में confuse नहीं करना चाहिए। Fame कोई भी जुटा लेता है, skill जुटाने में मेहनत लगती है। So आप अपना skill बढ़ाइए, और बीच में अगर इधर उधर अपने field से related कोई भी उल्टी सीधी बात करता हुआ दिख जाता है, तो पकड़ के टोक दो। और खुद को नहीं बुरा बनना है तो मेरे पास लिंक भेज दो, मैं पकड़ के टोक दूंगा, टोकता रहूंगा, it doesn't matter कौन है, क्यों matter करना चाहिए? कुछ गलत बोल रहे हैं, अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो टोकना चाहिए, मुझे भी टोको अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, बट नहीं, अगर कोई टॉपिक इस तरह से है, कोई किसी को फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, मूवी के रिव्यू बनाओ, ट्रेलर के रिव्यू बना लो, डांस कर लो, कॉमेडी कर लो, मेरा फर्क नहीं पड़ता, मैं उस फील्ड में नहीं हूं, मुझे नहीं नॉलेज है। लेकिन जिस फील्ड के बारे में नॉलेज है, उस पे उल्टा सीधा गलत सलत कोई भी कुछ बोल के जाएगा नहीं। विल होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल, पीपल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, कुछ भी अंडरस्टैंड बोलने की आजादी नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोई और वीडियो का लिंक भेजिए।
है ना, एंटरटेनिंग रहना चाहिए. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.